नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ वंदना। ये नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता अशुमन मिश्रा की खबर अररिया बिहार से। अररिया जिला के अंतर्गत फारबिसगंज बाजार में एक बड़ा हादसा ट्रक ड्राइवर की सूझबूझ के कारण टल गया। जी हां, रिहायशी इलाके फारबिसगंज के दीनदयाल चौक में जीवराज पार्क के पास जूट से लदे ट्रक हाई टेंशन बिजली तार के चपेट में आ गया, जिससे ट्रक पर लदे जूट में आग लग गई। जी हां, ट्रक में आग लगने के बाद चौक पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसी बीच ट्रक ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए आग लगे हुए ट्रक को रिहायशी इलाके से निकालकर सुरक्षित खाली स्थान के पास लेकर चला गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने थाना पुलिस को सूचना दी। बताते चले कि सूचना के बाद फारबिसगंज थाना पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और जलती हुई ट्रक पर पानी की बौछार करते हुए घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताते चले कि देर संध्या शॉर्ट सर्किट से पार्ट लदे ओवरलोड ट्रक में अचानक आग लग जाने से उक्त इलाके में अफरा तफरी मच गई। जी हां, जहां स्थानीय लोगों एवं फायर ब्रिगेड के कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया, मगर तब तक पार्ट एवं ट्रक जलकर राख हो गया था। जी हां, प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त पार्ट समता भवन वाली मार्ग से निकलकर आरबी लेन से एसके रोड के जरिए दीनदयाल चौक की ओर जा रहा था, जहां हाई टेंशन बिजली तार के चपेट में आने से शॉर्ट सर्किट से ओवरलोड ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे व्यवसायिक सहित आवासीय क्षेत्र के लोगों के बीच अफरा तफरी सी मच गई, जिसके बाद मौजूद लोगों की मदद से आग पर काबू पाए जाने की कोशिश की गई, मगर आग की तेज लपटें देखकर किसी तरह चालक आवासीय क्षेत्र से ट्रक को निकालकर कोटी हाट चौक से ठीक पहले बीच सड़क पर खड़ा कर दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों द्वारा घरों में लगी पाइप के सहारे आग को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। जी हां, सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के कर्मी मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित किया। बताते चले कि पार्ट लदे उक्त ट्रक जीवराज पार्क चौक के रास्ते सुभाष चौक की ओर जा रहा था। जी हां, कि उससे पहले ही शॉर्ट सर्किट का शिकार हो गया। आग लगी की इस घटना में 25 से 30 लाख की क्षति का आकलन किया जा रहा है। देखिए, फारबिसगंज में एक बड़ा हादसा टल गया। जिस तरह से ट्रक में जो है आग लगी थी और जूट में आग लगी हुई थी और वह इलाका रिहायशी इलाका था, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ के बाद जो है जिस तरह से ट्रक को खाली मैदान में लेकर गए, वह कहीं ना कहीं सूझबूझ को दर्शाता है। एक बहुत बड़ा हादसा टल गया, हालांकि इसमें जो है 25 से 30 लाख रुपये की क्षति का अनुमान है।